हेलो एवरीवन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स कोर्स के बारे में देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है इस कोर्स को एक कॉमर्स का बच्चा तो करता ही करता है एक साइंस का बच्चा भी कर सकता है आफ्टर ट्वेल्थ क्या है इस कोर्स में खास बात अगर हम और यूजी जी कोर्सेज से कंपेयर करें तो बी ऑनर्स करने वालों की जो तादाद है पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा क्यों है इस कोर्स के बेनिफिट क्या हैं नुकसान क्या हैं सही तरीका क्या है करने का और ये कोर्स करने के बाद किस तरह की जॉब लगती है अगर आगे पढ़ना है तो क्या करना है जितने भी डाउट है बी ऑनर्स या फिर बी प्रोग्राम को लेकर आज के वीडियो के बाद सारे के सारे वो दूर होने वाले हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं इस कोर्स की खास बातें पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड और व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बी कॉम ऑनर्स सो लेट्स द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम राइट चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो बच्चा। बहुत ही से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। फिर हम लेवल पे बढ़ेंगे। सबसे पहला है, या या इसको बोलते हैं तो सारे ही टर्म है बीकॉम करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं पहला तरीका है बच्चा पास कोर्स जहां पर आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं होती है कोई भी फील्ड आपको ऑफर नहीं होती है मतलब डायरेक्टली टू सब्जेक्ट होते हैं वही आपको पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दैट्स इट ऑनर्स में ना आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफर होती है कि यार आप इन फील्डों में एक्सपर्ट स्टडी या डीप जाकर पढ़ सकते हैं स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं उसको हम बी कॉम ऑनर्स बोलते हैं जिससे बीबीए में होता है ना बीबीए ऑनर्स जहां पर वेरियस वेरियस फील्ड आपको मिलती है उस फील्ड में से एक फील्ड आप चूज करते हो और उसमें आप स्टडी करते हो ये फील्ड चूज करने का टाइम होता है सेकेंड ईयर के बाद सेकेंड ईयर से पहले सारे सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं सेकेंड ईयर के बाद ये स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलता है बी कॉम ऑनर्स राइट चलिए ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है स्पेशली फॉर अ कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट ये सबको पता है अच्छा दोनों में से अगर एक आप चूज करने को कहें मुझसे कि सर इन दोनों कोर्सेज में से एक चूज करिए बीकॉम पास या फिर बीकॉम ऑनर्स और मैं एक बहुत ही एवरेज बच्चा हूं जो कि सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहा है पढ़ने में भी अच्छा नहीं हूं तो मैं चूज करूंगा बीकॉम पास कोर्स क्योंकि वो इजी रहती है पढ़ना भी थोड़ा कम पड़ता है इजीली पास हो जाते हैं लेकिन बीकॉम ऑनर्स इन बच्चों को चूज करनी है अच्छे से सुनिएगा बीकॉम ऑनर्स उन बच्चों को चूज करनी है जो कि इंटेलिजेंट है पढ़ने में अच्छे हैं और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में डीप स्टडी करना चाहते हैं और हो सकता है आप सी ए सी एस सी एम ए सी एफ ए करना चाहते हैं अभी या फिर ग्रेजुएशन के बाद उनके लिए बेस्ट सूट करेगा बीकॉम बीकॉम ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स उनको ज्यादा सूट करेगा तो क्लियर हो गया डिस्टिंक्शन सबसे पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी कंफ्यूजन है गुत्ती है वो मैंने सुलझा दी है राइट चलिए बीकॉम ऑनर्स एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिग्री है इंडस्ट्री ओरिएंटेड मतलब बच्चा बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है मतलब जो एक्चुअल में आप बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर में जो एक्चुअल में काम होता है ना एक्चुअल में वही चीज आपको बीकॉम ऑनर्स पे पढ़ाई जाती है तो इससे बेटर क्या हो सकता है राइट चलिए कैंडिडेट ह्यू विश टू परस्यू हायर स्टडी एंड कैरियर अकाउंटिंग एंड कॉमर्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऑब्वियस चीज है अगर आपको अकाउंटिंग फाइनेंस इंश्योरेंस वगैरह में कैरियर बनाना है तो बीकॉम ऑनर्स से बढ़िया कोई कोर्स आपके लिए नहीं हो सकता टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट राइट The program has been designed to offer eligible candidates specialization in a wide range of skills. अब यहाँ पर क्या है? Different different field आपको offer होती हैं। कौन सी field होती हैं उसके बारे में? Mid of the video हम बताने वाले हैं। Accounting है, finance है, economics है, taxation है, financial market है, auditing वगैरह है। बहुत सारी field है जिसमें आप expertise ले सकते हो। तो बहुत सारे option हैं। Plus आपको management, commerce, law वगैरह की तो knowledge मिले रही है। तो मतलब मल्टीपल बेनिफिट है बीकॉम ऑनर्स को चूज करने का एक तो स्पेशलाइजेशन के फ्रंट में कॉमर्स बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज आपको सेकेंड ईयर तक तो मिल ही रही है सारे सब्जेक्टों में लॉ की भी मिल रही है इकोनॉमिक्स की भी मिल रही है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है राइट चलिए बीकॉम ऑनर्स सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है सारे अच्छे कॉलेजेस ऑफर करते हैं और दोनों मोडों में बीकॉम ऑनर्स रेगुलर मोड में भी अवेलेबल है अच्छे कॉलेजेस में और डिस्टेंस में भी डीयूएस की बात करें हम इग्नो की बात करें हम अनामलाई यूनिवर्सिटी की बात करें हम वर्धमान महावीर की बात करें सारे जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन के सेंटर्स हैं सिम्बोस है सिक्किम मणिपाल है हमारा एम वगैरह है सब में ये रेगुलर भी मिलती है और डिस्टेंस के थ्रू भी मिलती है चूज़ आपको करनी है रेगुलर मोड जैसे मैं हमेशा प्रेफेबल करता हूँ कि अगर आपको नॉलेज ही चाहिए मेन मोटो है नॉलेज गेन करना खुद को डेवलप करना

मैनेजमेंट uh, है टीचिंग है एडवर्टाइजिंग है जर्नलिज्म है मास कम्युनिकेशन लॉ डिजाइन पब्लिक सेक्टर में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं बी कॉम ऑनर्स के साथ या के बाद राइट सिलेबस जो है काफी मिलता जुलता है सर्टिफिकेशन या प्रोफेशनल कोर्सेज में सी ए की बात करें सी एस की बात करें सी एम ए की बात करें डबल सी ए की बात करें सी एफ ए की बात करें सी एफ पी की बात करें अगर आपका सपना है ये कोर्सेज को करना ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज को करना

तो बहुत अच्छी कंपनीज में भी वर्क कर सकते हैं और हर एक सेक्टर हर एक कंपनी में एक अच्छे फाइनेंसिंग एक, एक आ, मतलब एक बिजनेस एक्यूबमेंट वाले आ, बंदे की इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है तो अगर आपका बहुत अच्छी अकाउंटिंग है फाइनेंस है इकोनॉमिक्स है तो जॉब की कभी आपको कमी नहीं आएगी टू बी ऑनेस्ट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट तो बहुत अच्छा है स्कोप है बी ऑनर्स का विद द राइट स्किल सेट विद नाइट विद द राइट अगर आप में राइट right एटीट्यूड रहा लर्निंग एबिलिटी रही अपने स्किल पर वर्क करते रहे और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करा तो ये क्या होगा टेन एक्स आपकी सैलरी हो सकती है विद इन फाइव इन टेन एक्स जी हाँ टेन एक्स हो सकती है द एडमिशन प्रोसेस वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज बच्चा हर कॉलेजेस का अलग एडमिशन प्रोसेस है कोई ट्वेल्थ की परसेंटेज के बेसिस पे देता है कोई खुद का एंट्रेंस लेता है जैसे कि जितने भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पर आपका सी यू ई टी एंट्रेंस होता है तो वो भी एक ऑप्शन है तो वो आप में डिपेंड करता है कि आप किन कॉलेजेस में ले रहे हैं फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का काफी कम है लेस देन वन लाख में आप अपना तीन साल का बी कॉम ऑनर्स कर सकते हैं वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस का दो से तीन लाख के नियर अबाउट में रहता है तीन साल का बी कॉम ऑनर्स के कोर्स की फी तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ चाहिए लेकिन ऑलवेज प्रेफर अ गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर कोर्सेज के लिए ऑलवेज प्रेफर चाहे वो बी हो बी एस सी हो बी ऑनर्स हो ऑलवेज प्रेफर अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं वो हम किसी अदर वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं राइट चलिए अब मैं स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा था डीप नॉलेज की बात कर रहा था सेकेंड ईयर के बाद चूज सब्जेक्ट की बात कर रहा था तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से बच्चा वो सब्जेक्ट की लिस्ट ये है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आप अपना बी कॉम ऑनर्स कर सकते हैं आप कंपनी या कॉपरेट सेक्रेटरीशिप होता है उसमें कर सकते हैं बैंकिंग में मार्केटिंग में ई e कॉमर्स में टैक्स में कंप्यूटर में फाइनेंशियल uh, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल मार्केट में एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन है फील्ड है जिसको आप चूज कर सकते हो बी uh, कॉम ऑनर्स के लिए एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस बच्चा डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन हमें ऑफर करता है तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना है किसी कॉलेज में हो सकता है ई e कॉमर्स हो किसी कॉलेज में ना हो किसी कॉलेज में मार्केटिंग हो किसी कॉलेज में अकाउंटेंसी हो किसी कॉलेज में बैंकिंग uh, हो किसी कॉलेज में फाइनेंशियल मार्केट हो तो वो आपको अपनी प्रिफर्ड स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कॉलेज देखना है सर्च करना है और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है राइट चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड सिलेबस का एक आइडिया दे दू आपको हर कॉलेजेस का सिलेबस डिफर हो सकता है कॉमन जो सब्जेक्ट है जो थ्रू आउट योर बी ऑनर्स आपको पढ़ाए जाएंगे उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं एक चीज आपको नोटिस करनी है इस सिलेबस में कि आपको दो तीन फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज मिलती है वन फील्ड इज कॉल्ड कॉमर्स द अदर फील्ड इज कॉल्ड मैनेजमेंट नेक्स्ट फील्ड इज कॉल्ड लॉ नेक्स्ट फील्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ठीक है तो आपको कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ और इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा यहां पर फंडामेंटल यूज करा गया है देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर को छूट गया यार कंप्यूटर्स भी ठीक है तो इन सब का मिक्सचर होकर ये सारे सब्जेक्ट बने आप चेक कर सकते हैं देखिए इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस कम्युनिकेशन ऑन्टरप्रीनरशिप प्रोजेक्ट वर्क भी होता है गवर्नेंस है एथिक्स वगैरह है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस है मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है एच मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है कॉपरेट अकाउंटिंग कॉमर्स का सब्जेक्ट है लॉ के सब्जेक्ट है कॉपोरेट लॉ इनकम टैक्स एंड प्रोसीजर हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो ये चार पांच सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाए जाते हैं ऑन वन साइड यू विल बी टॉटिंग कॉमर्स है मैनेजमेंट है लॉ है इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर के वेरियस कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं क्लियर हो पा रहा है और जो आप स्पेशलाइजेशन लेंगे उससे रिलेटेड भी सब्जेक्ट आपके एड ऑन होते रहेंगे कुल मिलाकर छह सेमेस्टर होते हैं हर साल में दो सेमेस्टर हर सेमेस्टर में सिक्स टू सेवन नियर अबाउट आपके सब्जेक्ट रहते हैं चार नियर अबाउट प्रैक्टिकल दो से तीन थियोरिटिकल क्लियर हो पा रहा है चलिए अब कॉलेजेस की बात करें तो ये इंडिया टुडे की 2022 की रैंकिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नाइन्टी परसेंट यहाँ पर कॉलेजेस डी यू के हैं डी यू सबसे ज्यादा प्रिफेबल कॉलेज रहता है बच्चों के लिए थ्रू आउट द इंडिया बी कॉम के लिए राइट चाहे वो पास कोर्स हो चाहे वो ऑनर्स का प्रोग्राम हो हिंदू है लेडी श्री राम है हंसराज है ये चेन्नई का है लॉयला कॉलेज मद्दा क्रिश्चियन कॉलेज अगेन चेन्नई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की है रामजस कॉलेज राइट एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है मीठी भाई मुंबई सेंट जोसेफ बेंगलोर आत्माराम सनातन दहली दौलत राम दहली कॉलेज दहली इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन अगेन करते हैं सैलरी की तरफ या आपको मैं बताता कौन कौन सी प्रोफाइल है जिसमें आप वर्क कर सकते हैं प्लस कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसकी मैंने शुरुआती दौर में बताया था थ्री लैख के नियर अबाउट एक ऑनेस्ट मॉडेस्ट सैलरी पैकेज आपका रहता है इनिशियल वे में ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है बिजनेस एनालिस्ट है फाइनेंशियल एनालिस्ट है स्टॉक ब्रोकर है अकाउंट मैनेजर बैंक बैंक पीओ क्लर्क रिस्क एनालिस्ट आप किसी भी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हो राइट चलिए <coughs> शुरुआती टाइम में या शुरुआती तीन चार एनुअल है, है दो तरीके से बेटा आपको जॉब मिलती है पहले से ही क्लियर कर देते क्यों कंफ्यूजन वाली स्थिति फर्स्ट वन इज थ्रू कैंपस प्लेसमेंट अच्छे कॉलेज से करने का फायदा यह होता है कि फाइनल ईयर में कंपनीज आती है आपको हायर करती है और आपको जॉब प्रोवाइड कराती है तो फर्स्ट वन इज कैंपस प्लेसमेंट ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में मिलता है जो इंडिया की टॉप ट्वेंटी हैं बीकॉम के अदर में क्या होगा अगर आप किसी लोकल कॉलेज से कर रहे हो मान के चलो किसी भी कॉलेज से आपने अपना बी ऑनर्स कंप्लीट कर लिया है देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है वो है न्यूज के थ्रू वैकेंसी वगैरह देखिए या फिर बेस्ट जो ऑप्शन मुझे लगता है अगर आपने किसी लोकल कॉलेज से करा है जितने भी जॉब पोर्टल्स होते हैं टाइम्स है इंडीड है नौकरी डॉट कॉम है राइट है, है इन सब में अपने एक बायोडाटा बनाइए रिज्यूम बनाइए और एज अ अप्लाई करिए दस से पंद्रह दिन में ही कहीं ना कहीं से आपको कॉल आएगा इंटरव्यूज वगैरह रहेंगे इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करिए कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करिए आपको जॉब मिल जाती है ऐसा नहीं होता कि भाई महीनों हो गए एक भी कॉल नहीं आ रहा आप पे डिपेंड करता है कि आपके एटीट्यूड की वजह से कि यार इतनी कम सैलरी में मैं कहाँ वर्क करूं या इस कंपनी में मुझे वर्क नहीं करना आप घर बैठे रह जाते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं दो से तीन साल बाद फिर उसी कंपनी में आपको वर्क करना पड़ता है जहां पर पहले आपने रिजेक्ट करा था तो ईगो और एटीट्यूड नहीं रखना है शुरुआती दौर में हमेशा ऐसी कंपनी चूज करनी है जहां पर सीखने को मिले एंड अच्छा हो सैलरी कम रहेगी इट्स ओके क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट करने की पूरी लाइफ टाइम है हमारे पास शुरुआती दौर में दो से लाख पर एनम से ही स्टार्ट करोगे आने वाले टाइम में से सालों में बीकॉम ऑनर्स हमारा कंप्लीट होने वाला है व्हाट आर ऑनर्स देखिए सबसे पहले तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज आपको करने, करने हैं बीकॉम के साथ इफ इनकेस नहीं कर पाए तो बीकॉम के बाद बी कॉम ऑनर्स के बाद ये कोर्सेज आपको करने ही एम कॉम परस्यू कर सकते हैं या फिर पीजी डी एम कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं इन कोर्सेज के साथ साथ कोर्सेज नहीं भी कर रहे तब इस केस में ये आपके लिए ऑप्शन है सिर्फ बीकॉम के बाद ऑनर्स के बाद एमकॉम करने से इतना अच्छा आपको डाइवर्सिफिकेशन या सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा बीकॉम ऑनर्स के बाद एम बी ए एक अच्छा ऑप्शन है पीजीडीएम एक अच्छा ऑप्शन है ये सारी चीजें नहीं कर रही तो आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो करने ही करने हैं आपको चाहे वो स्टॉक मार्केट हो डिजिटल मार्केटिंग हो टेली आर पी का हो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो या फिर वेब डिजाइनिंग जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो देखिए खाली बी कॉम ऑनर्स के बेसिस पे अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आप लाखों कमा लेंगे विद इन टू टू थ्री ईयर्स दिस नहीं हो पाएगा ये राइट तो हमें मार्केट में जो सिनारियों है ना रियलिटी है उसके बेसिस पर डिसाइड करना है हमें क्या करना है क्या नहीं करना बी कॉम ऑनर्स अच्छे कॉलेजेस से करिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अच्छे कॉलेजेस से करिए उसके लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो अच्छी रैंक के साथ अच्छे कॉलेजेस में जाओ अच्छा प्लेसमेंट होगा प्लेसमेंट नहीं भी हो पाया तो अच्छी कंपनीज आपको हायर करती ही करती है उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज ओके साथ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं कर पाए हो तो क्या करो बी कॉम ऑनर्स के बाद करो और सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं एक डिग्री भी उसके साथ करो वेदर इट इज एम कॉम और बी कॉम ऑनर्स के बाद कुछ नहीं करना है तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो करने ही करना है इज दैट मेक सेंस क्लियर हो पा रहा है बच्चा देखिए इस चैनल के थ्रू मेरे थ्रू सिर्फ ऑनेस्ट एडवाइस मिलती है कोई भी लेविश चीजों को मैं प्रमोट नहीं करता हूं कोई भी अनरीजनेबल चीज जो समझ में ही नहीं आ रही जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है उन चीजों को मैं प्रमोट नहीं करता हूं इस चैनल के थ्रू इस चैनल के थ्रू वही चीजें प्रमोट होती है जिसमें कोई लॉजिक है जिसमें कोई सेंस है जो कि आपके कैरियर ग्रोथ फुलफिलमेंट हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट कर पाए इज दैट मेक सेंस चलिए बच्चा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग